नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम 25 और 26 तारीख को डिस्कस करेंगे। इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है तथा इसे वन लाइनर के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसे आपको नोट करना है और याद भी करना है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? वो लिया है झूलन गोस्वामी ने। देखिए, यही हैं झूलन गोस्वामी जिन्होंने T20 क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, और इन्हें नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है। क्योंकि ये नादिया की रहने वाली हैं, इसलिए इन्हें नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, देखिए यही हैं स्कॉट मॉरिसन जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो इसके फैक्ट्स आप जान लीजिए। यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा और यहाँ की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, भारतीय हिमालयी क्षेत्र पर 5 थीमेटिक रिपोर्ट किसने जारी की है? वो की है नीति आयोग ने। यहाँ हिमालय के क्षेत्रों के अध्ययन इस रिपोर्ट में किया गया है, और इसको प्रस्तुत किसने किया है? नीति आयोग ने। अब नीति आयोग की बात आई है तो कई बार आपको मैं नीति आयोग के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग का फुल फॉर्म तो सब एन मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं तथा इसके CEO अमिताभ कांत हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एशियाई खेल 2018 में पहला टेनिस डबल स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो जीता है रोहन बोपन्ना व दिविज शरण ने। देखिए, यही हैं रोहन बोपन्ना और दिविज शरण जिन्होंने एशियाई खेलों में पहला टेनिस डबल स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, किस देश के सहयोग से उड़ीसा सरकार मेक इन उड़ीसा अभियान की शुरुआत कर रही है? ये जापान के सहयोग से कर रही है। अब उड़ीसा की बात आई है तो इसके फैक्ट्स जान लीजिए। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट पॉइंट है, सागर प्रार्थना यानी कि सी प्रेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो हैं खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी, ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने भारत के कौन से स्वदेशी खेल को मान्यता दे दी है? ये खेल को मान्यता दी है खो खो। खो खो, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? नरेन बत्रा। नरेन बत्रा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मुंबई स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रवीना टंडन को। रवीना टंडन को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इंडियन बैंकिंग कॉन्क्लेव 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अब इस कॉन्क्लेव में, कॉन्क्लेव को करने का उद्देश्य ये था कि जो बैंकों में बढ़ता NPA है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इस पर विशेष चर्चा इस कॉन्क्लेव में की गई है। अब नई दिल्ली की बात आई है तो इसके भी फैक्ट्स जान लीजिए। नई दिल्ली के गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यूरोपियन यूनियन ने हवा सर्वेक्षण उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है? ये किया है फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना से, और इस उपग्रह का नाम है AOLS। AOLS। अब फ्रेंच गुयाना की बात आई है तो इसकी कैपिटल है केनन, यहाँ की करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रूडोफ एलेक्जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट पर हैं आते हैं, विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड की शुरुआत किसने की है? वो की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने। पहले तो आप ब्लॉकचेन बॉन्ड को समझ लीजिए, जैसे बिटकॉइन अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, जिसका कोई वास्तविक रूप तो नहीं होता लेकिन उसे आप नेट के जरिए एक लेन देन की मुद्रा माना जा सकता है, वैसे ही ब्लॉकचेन बॉन्ड भी है। इसकी शुरुआत की है वर्ल्ड बैंक ने।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मूडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में भारत की वृद्धि दर कितनी रह सकती है? 7.5%, यानी कि 7.5%। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2018 में भारतीय पुरुषों की कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक, कांस्य पदक, और ये ईरान की टीम को हराकर जीता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाल ही में माउंटेन इकोस साहित्य उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? ये थिम्पू भूटान में, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? थिम्पू भूटान में, थिम्पू जो कि भूटान की कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के दूसरे सबसे तेज गति से बढ़ने वाले हवाई अड्डे के रूप में उभर कर सामने आया है? वह है कैपे गौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलोर में है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एशियन गेम 2018 में महिला हॉकी कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल, और इन्होंने भी ईरान की टीम को हराकर ये पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अटल जी ने कहा इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? लेखक हैं विजेंद्र रेही, विजेंद्र रेही। तो ये अटल जी से जितनी भी रिलेटेड पुस्तकें हैं वो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 27 अगस्त 2018 से शुरू हिंद महासागर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ वियतनाम में, वियतनाम में। अब वियतनाम की बात आई तो इसके फैक्ट्स जान लीजिए। यहाँ की कैपिटल है हनोई, यहाँ की करेंसी है डोंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ट्रांग डाई क्वांग, ट्रांग डाई क्वांग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रसार भारती ने किस देश के मीडिया के साथ प्रसारण के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कार्य हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो देश है म्यांमार। नेक्स्ट है, एसोचैम का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है उदय कुमार वर्मा को, उदय कुमार एसो के अब नए महासचिव होंगे। अब एसोचैम की बात आई तो एसोचैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में सांसदों और विधायकों को रेट करने के लिए नेता ऐप किसने लॉन्च किया है? ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया है। इस नेता ऐप के जरिए आप अपने सांसदों और विधायकों को रेटिंग दे सकते हैं। जैसे अभी तक आप फिल्मों की समीक्षा में देखते होंगे, या फिर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें रेटिंग जो आपको देनी होती है कि वो कितना बेहतर है, वैसे ही इस नेता ऐप के जरिए आप अपने सांसदों विधायकों को रेटिंग दे सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एशियन गेम्स 2018 में भारत के टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट, हाल ही में अभ्यास SCO शांति मिशन 2018 कहाँ शुरू हुआ? ये रूस में भी शुरू हुआ है। अब SCO की बात आई है, इसे संघाई सहयोग संगठन भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में संघाई कॉरपोरेशन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं राशिद अलीमोव, राशिद अलीमोव। इसमें टोटल 8 मेंबर स्टेट हैं, वो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए ये 8 हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 मेंबर स्टेट हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। ये 25 और 26 के वन लाइनर करंट अफेयर्स थे। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।